Now there is a similarity between both of them. Jayalalitha, she was actress also, political और फिर leadership quality की तरफ वो आया. अब कंगना जो है अपने political tweet की वजह से बहुत ज़्यादा famous है. अब famous को ये notorious वो तो separate issue है. actress है और she knows how to nail this character very well और उसने अच्छा किया है. What a beautiful day to begin with. Thank you so much for being with us. And today, I'm going to review Thalavi. I read somewhere कि जयललिता चाहती थी कि ऐश्वर्या राय ये रोल करे अगर बायोपिक कभी बननी पड़े तो. But I think कि कंगना बड़ी बोल्ड है और बिल्कुल वो इस तरह के रोल्स के लिए बड़ी फिट है, क्योंकि आई थिंक उसके अलावा कोई रोल कर भी नहीं सकता. क्वीन तनु वेड्समन्नु रिटर्न और उसमें शी हैज़ प्रूव्ड के वो शी इज़ मोर डोमिनेंट देन द मेन लीड एक्टर्स मेल एक्टर्स. तो इसमें भी इसका यही करेक्टर है. आई थिंक मोर ओवर इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन उसकी एक आम लाइफ से पॉलिटिकल करियर एंड देन हाउ शी कैन प्ले ऑल पूरी स्टोरी में उन्होंने दिखाया है कि हाउ शी हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड हरसेल्फ फ्रॉम वन लाइफ टू टोटली डिफरेंट. और वैसे आम रियल लाइफ में भी इस तरह होता है कि कोई एक्टर हो उसके लिए पॉलिटिकल वर्ल्ड में अपने आप को स्टेबल करना बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि पॉलिटिशियंस दे डोंट हैव उनको कोई रिलीजन नहीं होता. तो इसीलिए जयललिता को इट वाज वेरी हार्ड फॉर हर टू मेक हर फुटप्रिंट्स इन दिस वर्ल्ड स्पेशली. अब बाकी वो चीज़ों की बात नहीं करेंगे. मे बी समटाइम्स पीपल थिंक के किसी चीज़ को ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए. आई थिंक यू कुड अंडरस्टैंड देर आर सम इश्यूज होते हैं जो पॉलिटिकल वर्ल्ड में होते हैं, साउथ एशिया में ही चलता है. बट इस बायोपिक को बनाने का मकसद ये था, दे रियली वांटेड टू शो के एक्ट्रेस और उसकी लाइफ एंड द गाई इज़ वेरी गुड. MGR ही इज़ रियली ऑल्सो गुड. और दूसरे जो को राइट एक्टर्स हैं दूसरे, द वन हु स्पीक्स विद हिज आइज, वो भी अच्छा है. आई थिंक ओवरऑल मूवी अच्छी है. OTT नेटवर्क पर आएगी तो अच्छा धमाल करेगी. एंड यू शुड रियली वॉच इट एंड स्पेशली फॉर कंगना रनौत, शी इज़ परफेक्ट फिट एंड फाइन एंड शी नेल्ड इट वेरी वेल. थैंक यू सो मच फॉर बेयरिंग मी. ओवरऑल गुड है, सॉन्ग्स अच्छे हैं, सारी चीज़ें अच्छी हैं, प्लॉट है, ट्विस्ट एंड टर्न्स दिखाई हैं, पॉलिटिकल माइंड गेम्स दिखाई हैं. और देखिए ये चेस पीस है, डिफरेंट प्लेयर्स होते हैं और जयललिता वॉज जस्ट अ पॉन एट दैट टाइम एंड आई एम नॉट अवेयर विद देयर पॉलिटिकल इन्वायरमेंट. उसकी बात ही नहीं मैं करूँगा. बट दो बंदे जो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं वो बड़े फेमस मैंने बार बार देखे. एक तो जयललिता को देखा है और लालू प्रसाद को देखा, और एक वो फ्रेंच वाला था, वो थाई सूट पहनता है वो ब्राउन सा, वो मैंने देखा. आई डोंट नो व्हाट इज़ दैट. इन चीज़ों को देखा एंड इट इज़ गुड टू सी दैम दैट हु दे आर व्हाट दे डिड इट. एंड डेफिनेटली देर आर इफ ए 1% वन थिंग दे हैव डन रॉन्ग तो 99 अच्छी चीज़ें भी तो होंगी. तो दे जस्ट वॉन्टेड टू शो सम दैट पार्ट ऑफ दिस. तो बड़े मॉडरेट लेवल में उन्होंने दिखाया. तो थैंक यू सो मच फॉर बेयरिंग मी एंड हैव अ ग्रेट वॉच. टेक केयर योर लव्ड वंस, स्टे सेफ. थैंक यू, बाय बाय.